एवरीवन, हमारे प्यारे से चैनल माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला थैंक यू हमारी गुरुजी को उनके गाइडेंस के लिए, उनके हार्डवर्क के लिए, उनके ढेर सारे प्यार और उनके ब्लेसिंग्स के लिए। वो हैं तो हम हैं। आपको बहुत 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 सारा प्यार गुरुजी, थैंक यू सो मच। और सारी डिवाइन फेमिनिन्स जो इतने अमेजिंग वीडियोज़ बना रही हैं, थैंक यू सो मच। वी आर सो ब्लेस्ड कि हम आपके स्टूडेंट्स हैं और हम आपसे सीख सकते हैं, थैंक यू सो मच। बहुत 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 आभार। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम समझेंगे कि ये जो जर्नी है वो एक्चुअली है क्या। हम बिग पिक्चर को देखेंगे। ये डिवाइन मैस्कुलिन से जो यूनियन होता है हमारा, ये तो बट ऑब्वियस है, ये तो होना है। और ये इस जर्नी का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, एक बहुत ही स्मॉल हिस्सा है। ये जर्नी बहुत बड़ी है दोस्तों। तो चलिए आज समझते हैं कि यूनियन एक्चुअली होता क्या है। जैसे एक कलाकार और एक कला को एक दूसरे से दूर नहीं किया जा सकता, वैसे ही भगवान को और हमें एक दूसरे से दूर नहीं किया जा सकता। हमारी जर्नी का सच आपको पता है क्या है? वो ये है कि हम में और ईश्वर के बीच में जरा भी सेपरेशन नहीं है। द क्रिएटर एंड द क्रिएशन कैन नॉट बी सेपरेटेड। आप एक कलाकार को अपनी कला से अलग कर सकते हैं, एक डांसर को अपनी डांस से अलग कर सकते हैं, वो दोनों एक ही चीज है। उसी तरह से आप और ईश्वर एक ही चीज है। यू आर द यूनिवर्स एंड द यूनिवर्स इज यू। आप कभी एक मिनट के लिए भी ऐसा मत सोचिए कि आप जो हैं ईश्वर से नीचे हैं, ईश्वर से अलग हैं, ईश्वर बहुत ही महान चीज है, कोई ऐसी चीज है जिसको आपको ढूंढना है, जिसको आपको पाना है। नहीं, यही तो इल्यूजन है, इल्यूजन ऑफ सेपरेशन। ये हम लोगों को सिखाया गया, हम लोगों को अलग किया गया है एक दूसरे से, ये कह कह के कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम क्रिश्चियन हो, तुम इस जात के हो, तुम्हारी उम्र ये है, तुम लड़की हो, तुम लड़का हो, तुम सोलमेट हो, तुम ट्विन फ्लेम हो, तुम कार्मिक हो, ये सारे लेबल्स, ये सब कुछ जो है ये सेपरेशन के इल्यूजन को बढ़ावा देता है। आप इस इल्यूजन से ऊपर उठिए। आप ये पूरा का पूरा यूनिवर्स आप खुद हैं। जब आप अपने आप को ऐसा समझने लगे कि भाई मैं अपना डीएम खुद हूं, जब आप अपने डीएम को अपना समझ सकते हैं तो आप यूनिवर्स को क्यों नहीं समझ सकते हैं? ये जर्नी जो है आपकी यूनिवर्स से यूनियन की है। डीएम से यूनियन तो बाय डिफॉल्ट होता है, वो तो बहुत ही छोटा सा हिस्सा है इस जर्नी का, जो अपने आप ही हो जाएगा। अगर आप सही डायरेक्शन में फोकस करेंगे तो वो तो अपने आप ही हो जाएगा। आपको पता है ये लाइन, यू आर द यूनिवर्स एंड द यूनिवर्स इज यू, ये लाइन मैं बचपन से बोला करती थी। जब मैं 10-11 साल की थी मैं तब से बोला करती थी। मुझे तो पता भी नहीं था कि इसका मीनिंग क्या है। हर जगह लिखा करती थी, हर इंसान से बोला करती थी, और इसका मीनिंग मुझे अब समझ आया है। तो आप ये देखिए कि आपकी जो जर्नी है, जो ट्विन जर्नी है, वो कब से शुरू हो जाती है? आपके पैदा होने से पहले से शुरू हो चुकी है। आपका एक एक पल इस धरती पे जो आपने बिताया है वो डिवाइनली गाइडेड है। आपने जो बोला है, जो सोचा है, वो डिवाइनली गाइडेड है। सब कुछ गाइडेड है। आप खुद सोच के देखिए, 10 साल की बच्ची क्या समझेगी यूनिवर्स से यूनियन के बारे में? लेकिन उसने कह दिया, कहती रही, क्योंकि डीएम से मिलना ये तो बहुत बाद में होता है, सेपरेशन बहुत बाद में होता है, और वो भी बहुत जरूरी है। सेपरेशन बहुत जरूरी है। जब तक आप उनसे अलग नहीं होंगे आप कैसे समझेंगे कि वो सेपरेशन एक इल्यूजन है? ये हमारा सबसे बड़ा लेसन है, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है कि सेपरेशन जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। पूरे यूनियन, ये यूनिवर्स से यूनियन फील करना होता है आपको, ये आपकी जर्नी होती है। तो जब तक आप यूनिवर्स से यूनियन फील नहीं करेंगे आपके डिवाइन मैस्कुलिन के आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि लेसन तो आपने सीखा ही नहीं है। जिस वजह से आपको ये जर्नी मिली है वो लेसन तो अभी तक आपने सीखा ही नहीं है, जो रियल लेसन है। तो चलिए पहले उसको समझते हैं। तो ये जो गेम है डीएमडीएफ का, ये सिर्फ एक गेम है।
क्यों? क्योंकि 5D लेवल पे तो आप एक ही बीइंग है, आप एक ही चीज है, हमने इस बात को प्रीवियस वीडियोस में समझा है और आगे के स्लाइड्स में भी देखेंगे। 5D लेवल पे मतलब सोल लेवल पे, वो तो आप ही का सोल है, दैट इज यू। वो बॉडी और माइंड भी आप है, बस आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक गेम है, क्योंकि यूनियन में तो आप पहले से ही है, आपको सिर्फ रियलाइज करना होता है कि आप यूनियन में है। और जो लोग रियलाइज कर लेते हैं वो यूनियन कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, और वो जैसे ही यूनियन कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं उनका यूनियन अपने आप हो जाता है। तो कहते हैं ना, जो अंदर है वही बाहर है, क्योंकि आपकी अंदर की दुनिया ही रियल है, वो ही आपकी जो फिजिकल दुनिया है उसको डिक्टेट करती है। तो आप अंदर जो सोचेंगे वही बाहर होगा। तो ये सब सिखाने के लिए भगवान हमें ऐसे इल्यूजन में डालते हैं कि आप सेपरेट हैं। जब तक आप एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, आपको रियलाइज ही नहीं होगा कि सोल कनेक्शन जैसी भी कोई चीज होती है। हम लोग सब कहते हैं कि वो मेरी आत्मा है, वो मेरी आत्मा का हिस्सा है। आत्मा के होने का एहसास तो हुआ आपको लेसन नंबर 1 DMDF के गेम में। मैं उसको जर्नी नहीं बोलूंगी, मैं उसको गेम बोलूंगी, ये सिर्फ एक गेम है। इसमें आपको सबसे पहले क्या रियलाइज हुआ कि सोल कनेक्शन जैसी भी कोई चीज होती है, सोल जैसी भी कोई चीज होती है, वरना वो इंसान तो मेरे आसपास है नहीं, तो मुझे कैसे एहसास हो रहा है उस इंसान का, इतने महीनों से सालों से कैसे एहसास हो रहा है। इसका मतलब हम सोल लेवल पे कनेक्टेड है, इसका मतलब सोल जैसी कोई चीज होती है। फिर जैसे आपको सोल का एहसास होता है तो आपको रियलाइज होता है कि सोल ही असली चीज है, जो अंदर फील हो रहा है वो ही रियल है। मैं आत्मा हूं, शरीर तो नश्वर है, खत्म हो जाएगा। तो फिर आपको रियलाइज होता है कि सेपरेशन इज एन इल्यूजन, कि ये जो आपको लग रहा है कि आप अपने DM से अलग हैं या अपने DF से अलग हैं, ये सिर्फ एक इल्यूजन है। ये आप कैसे समझेंगे जब तक कि आपको अलग नहीं किया जाएगा? फिर जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, सेपरेशन बहुत लंबा हो जाता है, जैसे आपके हिसाब से जो भी हो रहा हो, तो फिर आपको धीरे धीरे समझ में आता है लेसन नंबर 3 कि टाइम इज एन इल्यूजन। कितने इंपॉर्टेंट लेसन आपको सीखने होते हैं जैसे जैसे वक्त गुजरता है, और इन लेसन के बिना आप मैनिफेस्टर नहीं बन सकते, आप क्रिएटर नहीं बन सकते, जो कि आपकी जर्नी एक्चुअली उस बारे में है, अपने आप को समझने के बारे में है, अपनी एबिलिटी को समझने के बारे में, आपका रियल नेचर समझने के बारे में है। आपको कैसे समझ आएगा कि बाहर से जो भी चीजें आपको मिलती हैं, एक्सटर्नल वैलिडेशन, इन्फिनिट लैक मेंटालिटी में जो लोग रहते हैं, जैसे कि पैसा, पावर, प्यार जो बाहर से मिलता है, वो तो आपको जिंदगी भर आपको चाहिए होगा, तो आप तो जिंदगी भर बाहर से ही कंट्रोल होंगे, एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस ही आपको कंट्रोल करेंगे। दूसरे लोगों के विचार, वो आपको कैसे इम्पोर्टेंस देते हैं, कितना प्यार देते हैं, कितना सक्सेस देते हैं, इन्हीं सब चीजों पे आपकी जिंदगी जो है वो अटक के रह जाएगी। तो आप कैसे समझेंगे कि आपके अंदर से रियलिटी क्रिएट होती है जब तक कि आपको ये वैल्यूएबल लेसन नहीं समझ आएंगे? आपको ये समझना होता है कि यू आर एन इन्फिनिट बीइंग, मुझे बाहर से किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि सच तो यह है कि जो योगी जो मेडिटेशन करते हैं, जो सोर्स से कनेक्ट करते हैं, जो भगवान से कनेक्ट करते हैं, एक दिन ऐसा आता है कि उनको खाने की भी जरूरत नहीं होती है, पीने की भी जरूरत नहीं होती है, वो समाधि में बैठे रहते हैं, ध्यान में बैठे रहते हैं, महीनों तक बैठे रहते हैं, सालों तक बैठे रहते हैं, तो उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, उनकी बॉडी कैसे जिंदा रहती है? सीधे सोर्स से एनर्जी मिलती है उनको। उन्होंने इस लेवल पे, इस डायमेंशन पे सोर्स से कनेक्शन बना लिया है, रियलाइज कर लिया है, बनाने की तो जरूरत नहीं पड़ती है, वो कनेक्शन ऑलरेडी है, वो सिर्फ आपको धीरे धीरे सफाई करनी होती है अपनी गंदगी की। जैसे जैसे आपकी गंदगी साफ होते जाती है, आपकी क्लीनिंग होते जाती है, आप ईश्वर के करीब आते जाते हैं, वो कनेक्शन और पावरफुल होता जाता है, जैसे आपने अपने DM के साथ होता है। आपने महसूस किया है जैसे जैसे आपकी सफाई होती है, आपका DM आपके अंदर और भी करीब आ जाता है, वैसे ही ईश्वर के करीब आप चले जाते हैं। और वो ही रियल रीजन है इस जर्नी का, ईश्वर के करीब जाना। DM तो डिफॉल्ट से आ जाएगा, वो तो आप ही हैं, आपसे अलग तो है नहीं, DM तो कोई अलग चीज है नहीं। एज यू रिमेम्बर, हमने इस स्लाइड में डिस्कस किया, ये हमारे प्रीवियस प्रेजेंटेशन में हमने डिस्कस किया था कि DM कोई अलग चीज नहीं है, DM तो मैं हूं, DM तो आप है, ये स्लाइड आपको याद होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना होता है। तो आप कैसे समझेंगे जब तक कि आप अलग नहीं होंगे उनसे? जब आप अलग हो जाएंगे तो आपको फिजिकल रियलिटी की कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रहेगी, और जब आपको इम्पोर्टेंस नहीं रहती है तो वो अपने आप वापस आ जाते हैं, क्योंकि अब आपने लेसन सीख लिया है, आपने लेसन समझ लिया है कि ये फिजिकल रियलिटी जो है इल्यूजन है, सेपरेशन जो है इल्यूजन है। इस लेसन को समझने के लिए जब तक आप सेपरेशन में नहीं जाएंगे, आप नहीं सीख सकते हैं।
तो भगवान हमारे साथ ये गेम क्यों खेलते हैं, ये फिजिकल रियलिटी का गेम? ये गेम है, ओके? आपको अपने डीएम से या डीएफ से अलग करके वो आपको ये दिखाते हैं कि तुम अलग तो हुए ही नहीं, तुम दोनों एक सोल हो, ये आप कैसे समझेंगे? लेकिन रियल रीजन क्या है? रियल रीजन है ये, भगवान आपको ये दिखाना चाहते हैं, जिस जगह पे आपने अपने आप को रखा था, अपने 5D सेल्फ को रखा था, जहां जहां आप ये 5D सेल्फ है, आपका जो सोल है, जो एक डीएम रिप्रेजेंटेशन में है, एक डीएफ रिप्रेजेंटेशन में है, उसको आप लार्जर स्केल पे इमेजिन करिए। वो जो सन जैसा शेप आपको दिख रहा है, वो भगवान है, ठीक है? यूनियन कॉन्शियसनेस, इल्यूजन ऑफ सेपरेशन विद द डिवाइन। तो आपको यूनियन कॉन्शियसनेस में आना है। ये जो भगवान है, इनके इन्फिनिट टुकड़े हैं, इन्फिनिटी सिंबल आपको दिख रहा है, इनके इन्फिनिट जो है वर्जन्स हैं इस दुनिया में, हर दुनिया में, हर यूनिवर्स में, हर पैरेलल रियलिटी में, हर मल्टीवर्स में वही है, सिर्फ ईश्वर ही है। हम भी ईश्वर ही हैं, हम ईश्वर ही हैं, हमारे अंदर कौन है वो ही है। हम पपेट्स हैं, हम कुछ नहीं सोचते, हमारा कोई नॉलेज नहीं होता, हम कोई कुछ मेहनत नहीं करते, सब ईश्वर करवाते हैं, सब कुछ वो करवाते हैं। तो आप इस बिग पिक्चर को देखिए। आपको अपनी डीएम से इसलिए अलग किया गया ताकि आप समझ सकें कि वो आपके सोल का हिस्सा है, ठीक है? तो आपको एटलीस्ट समझ तो आया कि सोल जैसी कोई चीज होती है, एक सोल के दो टुकड़े हो सकते हैं, टुकड़े नहीं, दो रिप्रेजेंटेशंस हो सकते हैं, जैसे कि हमने इस स्लाइड में देखा, एक ही सोल के दो रिप्रेजेंटेशंस फिजिकल बॉडी में हो सकते हैं, ये हम समझते हैं। तो ये हमें क्यों समझाया जाता है? ये दिखाने के लिए कि एक ही सोल के अनगिनत इन्फिनिट रिप्रेजेंटेशंस भी हो सकते हैं, हमें ये दिखाने के लिए कि अल्टीमेटली हम सब एक ही सोल है, कोई सेपरेशन नहीं है, हम सबके बीच में कोई सेपरेशन नहीं है, हमारे और ईश्वर के बीच में कोई सेपरेशन नहीं है। ये है हमारी इस जर्नी का मतलब। ये ट्विन जर्नी में इसलिए दी गई है कि हम सच को समझ सकें कि ये पूरा यूनिवर्स, सारे यूनिवर्सेस, जितने भी डिमेंशंस हैं, जितने भी मल्टीवर्सेस हैं, जितना भी इन्फिनिटली कॉम्प्लेक्स चेन ऑफ हायरार्की है, जो भी है, वो सब कुछ आप खुद हैं। दैट इज हु यू आर। चाहे आपके कितने भी रूप हो, इन्फिनिट रूप ही क्यों ना हो, लेकिन वो हैं तो आप ही, वो सब कुछ आप खुद हैं। और आपको ये जो जर्नी मिली है, ये खुद को समझने के लिए मिली है। आप अपने आप को डिस्कवर करते जाइए, यूनिवर्स को डिस्कवर करते जाइए और लेसन सीखते जाइए। ये है आपकी जर्नी। इस लाइफ टाइम में सीखेंगे, फिर अगले लाइफ टाइम में सीखेंगे। तो इसमें आपके डीएम का क्या सिग्निफिकेंस? ऑफकोर्स योर डीएम इज यू, वो तो आप है, वो कहाँ जाएगा? दो मैग्नेट्स जो ऑपोजिट पोलैरिटी के हैं, क्या आप उनको अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ईश्वर भी यही चाहते हैं कि आप अपने आप को समझें कि मैं एक 5D, मैं एक सोल हूं, मैं सोल हूं। पहले आप इस चीज को समझें, फिर आपको अपने आप रियलाइज हो जाएगा धीरे धीरे कि चाहे कितने भी डिमेंशन हो, चाहे इस दुनिया में कुछ भी हो, जितने भी इंसान हैं, जितने भी सोल्स हैं, जितने भी एंजल्स हैं, नेगेटिव पॉजिटिव एंटिटीज हैं, सब कुछ आप खुद हैं। पूरे यूनिवर्स से आपको यूनियन फील हो, आप अपनी असलियत को समझें। और वो डिवाइन मैस्कुलिन, वो तो खैर वो आप ही हैं, वो तो अपने आप आ जाएगा। तो चलिए, पहले आप अपने इस मिशन को समझिए, इस रियलिटी को समझिए। ये जो डीएम डीएफ का गेम दिया गया है, ये क्यों दिया गया है, उसको समझिए। ये इसलिए दिया गया है ताकि आप जो है सेपरेशन के इल्यूजन को हमेशा के लिए तोड़ दें। जब आप यूनियन में ऑलरेडी हैं, तो आपको कैसे अलग किया जा सकता है? जब आप यूनिवर्स से यूनियन में है, ईश्वर से यूनियन में है, जब पूरा का पूरा यूनिवर्स, इन्फिनिटी आप खुद हैं, तो क्या उसमें आपका डीएम शामिल नहीं है? और सबसे बड़ी बात, इस चीज को याद रखना है कि ये फिजिकल रियलिटी जो है, ये तो सिर्फ एक वर्जन है, वन वर्जन ऑफ फिजिकल रियलिटी। ऐसे इन्फिनिट पैरेलल यूनिवर्सेस, इन्फिनिट पैरेलल रियलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, साइमल्टेनियसली अभी एग्जिस्ट कर रही हैं। तो आप इस फिजिकल वर्ल्ड को रियल मत समझिए, आप अपने इंटरनल वर्ल्ड को रियल समझिए। आपका जो सोल लेवल पे आपको जो भगवान से कनेक्शन फील हो रहा है, जो आपको अपने डिवाइन मैस्कुलिन से फील हो रहा है, जो यूनियन फील हो रहा है आपको यूनिवर्स से, उसको रियल समझिए।
जो ईश्वर की मर्जी है वही आपकी मर्जी है। आप ईश्वर से अलग नहीं है, आप खुद यूनिवर्स है, आप खुद यूनिवर्स है। आप ऐसा समझिए, अपने आप को आइडेंटिफाई करिए। ईश्वर जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर और आपके बीच कोई सेपरेशन नहीं है। तो जो उनकी मर्जी है वही आपकी मर्जी है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आप सबका डायमेंशन रेज हुआ हो। हैव अ वंडरफुल